मध्य प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सहयोग दस्ता बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश के नक्सल प्रभावित 3 जिलों बालाघाट, डिंडोरी और मंडला समेत 10 ब्लॉक में नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू करने के स्थानीय युवाओं को जोड़कर विशेष सहयोगी दस्ते बनाए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए क्षेत्र के मूल निवासियों के विशेष सहयोगी दस्ता गठित करेगी। इसके लिए 150 पद स्वीकृत किए गए हैं। राजगढ़ से 15 किलोमीटर दूर करेनी गांव में बुधवार रात दो समुदायों के बीच जमीनी विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाली थाने की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद भी पुलिस लोगों को बचाती नजर आई। मामला बुधवार का है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फूटी कॉलोनी में गरीबों के मकान तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वह कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन एसडीएम की जिद थी कि कार्यकर्ता उन्हें ही ज्ञापन सौंपते। ऐसा नहीं करने पर एसडीएम भड़क गए। इसी को लेकर आप नेता से उनकी बहस हुई। आप नेता ने कलेक्टर से एसडीएम के अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।